कक्षा दसवीं विषय हिंदी प्रकरण चौथा एक प्रश्न चार उत्तर में चर्चा करने जा रहे हैं। लेखक का नाम है श्री प्रकाश। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न के चार उत्तर अलग अलग चार मनोभावों ने अपने अपने ढंग से दिए हैं। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। यही चारों महानुभावों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है। तो लेखक देश की औन्नति और उन्नति के बारे में सतत चिंतन करते हैं। वे अनुभव करते हैं कि हमारा भारत देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। इसलिए कोई परिचित जब मिल जाता है, कोई अनुभवी मिल जाता है, तो अक्सर ये प्रश्न लेखक ने पूछ लेते हैं। लेखक लिखते हैं कि सबको ही कुछ ना कुछ खौफ होता है। यहाँ खौफ प्रश्न का अर्थ होता है धूम। प्रत्येक मनुष्य कोई न कोई लगन, कोई न कोई धूम के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मुझे भी कई बातों का खौफ है, कई बातों की धूम लेखक पर भी सवाल है। उनमें एक यह है, जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें शहर दे पाता हूँ, साथ ही ये समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके किसी शो अवसर पर मैं पूछता हूँ। यहाँ शो अवसर मतलब अच्छा मौका पाकर कोई विदेशी मित्र जो सहृदय हैं, जो दयालु हैं, अनुभवी है, तो लेखक उनसे पूछते हैं कि आप कृपा कर यह बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है? ये प्रश्न उन्नति का अर्थ होता है विकास। हमारे देश में विशिष्ट पुरुषों ने जन्म लिया है, बड़े बड़े परिवर्तन के लिए आंदोलन हुए हैं, फिर भी हमारा भारत देश पीछे क्यों? ये प्रश्न में काटे की तरह चुभता है। तब अपने परिचित मित्रों से इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहते हैं। आगे लिखते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि हम क्यों ज्यों के क्यों पड़े हुए हैं। ऐसा मालूम होता है
कि हम क्यों के क्यों क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ काम क्यों नहीं होते हैं। ज्यों के त्यों पढ़े रहने का अर्थ होता है कुछ काम न करना। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं, उत्तर देते संकोच करते हैं और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं। यहाँ शिष्ट का शब्द है, इसका अर्थ होता है बल मन साहत, पर वे पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूं। तो लेखक के पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी है। यहां पादरी मतलब ईसाई धर्म का रोहित। वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं, पर सपत्निक, सपत्निक का होता है पत्नी सहित देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। यहाँ सत्कार मतलब सम्मान। तो ईसाई पादरी लेखक के लिए सामान्य व्यक्ति है। तो उनका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम में गौरव नहीं लेते, तुम लोग अपने काम में गौरव नहीं लेते। यहां गौरव का अर्थ होता है किसी काम के संबंध में सुखद भावना। हमें अपने काम पर गर्व नहीं है, रुद्रीसाई पात्र का ये मानना है। विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्ति पूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है। अतिशयोक्ति पूर्ण मतलब बढ़ चढ़ कर बताना, जो है उससे भी ज्यादा करके दिखाना। और एक शब्द है दरखास्त, आवेदन पत्र या अर्जी। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है, अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा, मंगल कामना करेगा, उसका अच्छा और भला सोचेगा। पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। यहाँ जीविका शब्द, जीविका का अर्थ है जीवन निर्वाह के लिए क्या जाने वाला कार्य, जो मिला है उससे संतोष नहीं है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है। षड्यंत्र का अर्थ होता है भित्री चार, दूसरों को पछाड़ने के लिए किया जाने वाला छल, उसे षड्यंत्र कहते हैं। और मालिक की नाक को दम करना, नाक में दम करना बहुत परेशान। नौकरीदाता को हम परेशान करते हैं, हमें जो नौकरी मिली है, जो नौकरी हमारे जीवन का है, हम उसे ही करने में लग जाते हैं। अन्य देशों में ऐसा नहीं, लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं, वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब स्थान मिल जाता है और इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है। और वे काम छोड़ दे तो संसार डूब जाए, मतलब अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निभाने में चूक जाते हैं। बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही। ये लेखक का मत है, लेखक अपने पादरी मित्र की बात का समर्थन करते हैं। हमें अपने काम का गर्व नहीं है, युग को इसका है
कि मूल की परंपरा में अपने काम का गौरव करने का आदेश है। हमारी परंपरा अपने काम पर गौरव लेती है। जाति भेद इसी पर निर्भर रहता है। प्रत्येक जाति के लोग अपनी जीविका को बड़े आदर से देखता है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं जानता और अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान जानता है। दूसरों की जीविका में या दूसरों की परंपरा में दखल अंदाजी नहीं करते या अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। बड़े अपने औजारों की और दुकानदार अपनी बहियों की निश्चित तिथियों पर जा करते हैं। लंबी दास्ता यहाँ दास्ता शब्द का अर्थ है गुलामी। लंबी दास्ता के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं। एक काम छोड़कर दूसरा काम लेते रहते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमसे ये काम सफल क्यों नहीं हुआ, असफलता क्यों मिली। बस असफलता मिली तो सारा दोष हम दूसरों पर लगा देते हैं। स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं, काम को भी खराब करते हैं। स्वधर्म निधन श्रेय होता है। अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का मतलब है श्रेष्ठ या आदेश संपूर्ण है। हम अपने काम में गर्व नहीं रहते। तो विद्यार्थी मित्र लेखक के द्वारा अपने वृद्ध ईसाई पादरी से पूछे गए प्रश्न का एक उत्तर यह है कि हम अपने काम पर गर्व नहीं लेते हैं। तो एक सीख हमें मिलती है कि हमें अपने काम पर गर्व लेना चाहिए। मतलब जो काम हम करते हैं उसकी उसके संबंध में हमारे मन में सुखद भावना होनी चाहिए। तब तो ये काम ठीक से होगा और ठीक से काम करने के लिए मन बनाना पड़ता है। तो आप सभी अपना काम ठीक से करें, ढंग से करें, मन बनाकर करें। खूब पढ़े, खूब लिखे, खूब सोचे, खूब आगे बढ़े। बाकी की चर्चा हम जब दोबारा मिलेंगे तब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।